बैंक में। राजीव जी रुकिए जरा, मेट्रो ब्रांड्स के नतीजों पर कुछ बातचीत करते हैं। कंपनी ने चौथी तिमाही में जो नतीजे दिए काफ़ी बेहतर है, आमदनी 7% बढ़ी भाई, प्रॉफिट में भी अच्छा खासा जंप है, 100% से ज़्यादा का बढ़ के देखने को मिला है, मार्जिन इंप्रूव है और एबिटा में भी ग्रोथ है। कहाँ से आई ग्रोथ और किस तरह का साल अब निकलने वाला नया, इस बातचीत करेंगे CFO कौशल पारेख से। कौशल जी स्वागत है आपका। पैट में काफी जबरदस्त उछाल देखने को मिली है, क्या रीजन था इसका? पहले तो नीरज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। अगर अगर आप देखें हमारा Q4 का सेल्स ग्रोथ अराउंड 11% था, एबिटा ग्रोथ अराउंड 16% था और पैट ग्रोथ अराउंड 17% था। ड्यूरिंग द ईयर फीला का डीमर्जर हुआ, मैं ये जो नंबर्स मैंने जो बताए वो स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस के बताए विदाउट टेकिंग इम्पैक्ट ऑफ फीला। फीला डीमर्जर से हमें बेनिफिट मिला ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉस ऑफ फीला, जिसके वजह से आपको पैट में थोड़ा सा सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिख रहा है। देयर वाज अ वन ऑफ आइटम ऑफ अराउंड 69 करोड़, बट अगर उसको निकाल के भी बात करें तो स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग था Q4 का। सेल्स ग्रोथ जैसे कि मैंने बोला 11% थी और पैट ग्रोथ हमारी 17% थी, जो प्रीडोमिनेंटली इंप्रूव्ड ग्रॉस मार्जिन्स और थोड़े बेटर कॉस्ट कंट्रोल की वजह से डिलीवर कर पाए। कॉस्ट कंट्रोल कैसे किया? सॉरी नीरज जी आपका कॉस्ट आवाज। कंट्रोल कैसे किया आपने कहा? कॉस्ट कंट्रोल क्या क्या किया? ये एक आइटम नहीं है, वेरियस एक्सपेंसेस जिसको हम जीरो बजटिंग करते हैं, सो दैट वी रिव्यू एक्सपेंस वेरी क्लोजली टू मेक श्योर दैट एक्सपेंस जीरो बजट से करके हम एनालाइज करके ओवरऑल एफिशिएंसी लाए। सो इसीलिए जब आप Q4 का परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो इम्प्रूवमेंट दिखे आती है। ग्रॉस मार्जिन में कुछ 80 बिप्स का इम्प्रूवमेंट था एंड देन बैलेंस अराउंड 50 बिप्स हमें कॉस्ट एफिशिएंसीज के वजह से मिला। इस साल कितने नए स्टोर खोलने का इरादा है आपका FY25 में? नीरज जी हमने 225 स्टोर्स का गाइडेंस दिया है ओवर नेक्स्ट 2 इयर्स, बिकॉज हम इमीडिएट ईयर से ज्यादा थोड़ा लॉन्ग टर्म देखना पसंद करते हैं। तो नेक्स्ट 2 इयर्स दैट इज FY25 एंड FY26 में हमने टोटल 225 स्टोर्स का गाइडेंस दिया है। इसके अंदर फीला के स्टोर जब हम खोलना शुरू करेंगे FY26 में वो इंक्लूडेड नहीं है। सो विदाउट दैट इंक्लूडिंग फुट लॉकर ब्रॉडली 110 odd स्टोर्स अ ईयर, 2 साल में अराउंड 225 स्टोर्स का न्यू स्टोर ओपनिंग का टारगेट है हमारा। अगले 2 साल में 225 स्टोर खोलेंगे। ये बताइए कौशल जी, आप कॉस्ट कंट्रोल पे फोकस कर रहे हैं और ओपेक्स कम करना चाहते हैं, लेकिन रियल एस्टेट जो कमर्शियल है उसमें तो बहुत ज़्यादा इस समय आग लगी हुई है, और ये जो 225 स्टोर खोलेंगे तो क्या अंदाज़ा आपका लग रहा है, नीरज इंक्रीमेंटल जी बढ़ता लग रहा है? रियल एस्टेट में ट्रेंड ऊपर और नीचे आते रहते हैं। वी हैव बीन इन दिस बिजनेस सिंस मोर देन 75 इयर्स। हमारा थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है। जब भी हम बहुत एग्जुबरेंस देखते हैं मार्केट में तो हम थोड़े से स्लो होते हैं, बिकॉज हम लोग जो रेंट डील साइन करते हैं स्टोर्स का, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, मोस्टली 7 से 10 साल की लीज होती है। सो वी वॉन्ट टू मेक श्योर कि जो हम साइन कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल होना चाहिए और लॉजिकल होना चाहिए। सो ये हमारा थॉट प्रोसेस होता है। अगर हम लॉन्ग टर्म में भी देखें हमारा रेंटल रेशियो, जो रेंट टू रेवेन्यू रेशियो है, ये ब्रॉडली अराउंड 12.5 13-14% के करीब रहा है। वी फील वी शुड बी एबल टू मेंटेन दैट नंबर एंड विथ 7 बैनर्स विथ अस, यू नो जैसे कि आप बहुत मॉल्स ही एग्जुबरेंस चल ही रहा है देखेंगे, ना मेट्रो। रियल एस्टेट में कमर्शियल, तो अभी वो बहुत तेजी बनी हुई है। नहीं तो मैं वही बोल रहा था नीरज जी, जैसे तो कि ये अभी दो आप सौ मॉल, पच्चीस मतलब उसके हिसाब से आपने स्लो करके बताया, अदरवाइज ज्यादा होते क्या? ये एक नॉर्मल परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं। इफ वी सी मार्केट जहाँ पे थोड़े से बेटर डील्स मिलेंगे तो जैसे कि हम बोलते हैं कि वी विल बी वेरी एग्रेसिव इन दोस सिनेरियोस, वी मे ओपन स्लाइटली मोर। अगर कमर्शियल जैसे कि बोल रहे हैं कि रेंटल्स थोड़े हाई होते हैं तो वो हम थोड़ा कैलिब्रेट करते हैं हमारा एक्शन, बिकॉज जो भी एक्शन हम आज लेंगे वो नेक्स्ट 10 साल के लिए हमें इम्पैक्ट करेगा। तो वो हिसाब से हमारी प्लानिंग होती है, शॉर्ट टर्म से ज्यादा लॉन्ग टर्म पे हमारा फोकस ज्यादा रहता है। अच्छा ये बताइए कि जो अभी भी क्या वो है ट्रेंड चल रहा है कि बहुत प्रीमियम सेगमेंट जो है वहीं पे अच्छी ग्रोथ है, इकोनॉमी रेंज में बिल्कुल अभी ग्रोथ नहीं आ रही है, हल्की फुल्की दिख रही है?
नीरज जी, अगर हमारा पोर्टफोलियो देखे तो लास्ट ईयर अराउंड 86% ऑफ वॉट एवर वी सोल्ड इन आर स्टोर्स वो अपवर्ड ऑफ 1500 रुपीज था। ये साल में वो परसेंटेज इंक्रीज होके 87 हुआ है, सो मार्जिनल इंक्रीज हुआ है। बट अगर हम लोग 3000 के ऊपर वाले प्राइस पॉइंट की बात करें तो ये परसेंटेज 44% जो लास्ट ईयर था उससे बढ़कर 50% हुआ है। तो वी आर सीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन। जो हमारा प्रीमियम सेगमेंट है, जो हमारी इन हाउस ब्रांड है डाविंची, जे फॉन्टनी, हमारी जो स्ट्रेटेजिक टायर जो हमारे हैं क्रॉक्स से, फिट फ्लॉप से, फीला, सो ये सब में हम काफी अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं। एंड वी होप दैट दिस ट्रैक्शन वुड कंटिन्यू गोइंग फॉरवर्ड। ओके कौशल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो मेट्रो ब्रांड्स अभी भी प्रीमियम में ही फोकस, और प्रीमियम में ही ज़्यादा रेवेन्यूज देख रहे हैं, ज़्यादा मार्जिन देख रहे हैं।